नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की, पीसीएस 2022 नोटिफिकेशन की, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, पीसीएस जे नोटिफिकेशन की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ एआरओ की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। और आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी 37,000 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें टीजीटी पीजीटी के बारे में बात की गई थी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात की गई थी और भी बहुत सारी भर्तियों की बात की गई थी। तभी बहुत सारे विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे थे कि सर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा। तो सबसे पहले बात हम लोग एलटी ग्रेड से ही करेंगे। एलटी ग्रेड के बारे में आज ही वार्ता हुई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विकी खान, उन्होंने आज वार्ता की है और बहुत सी भर्तियों के बारे में जानकारी मिली ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अभी काफ़ी पेच है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी कम से कम 3 से 4 महीने तक नहीं आ पाएगा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले रीज़न तो मैं ये बता दूं कि इसमें अभी समकक्ष का जो विवाद है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे कि अभी कला विषय में जो विवाद था, पिछली बार बहुत सारे छात्रों की फाइलें रोक दी गई थी। इसी तरीके से हिंदी विषय में इंटरमीडिएट में संस्कृत है या ग्रेजुएशन में संस्कृत है, इसको लेकर के विवाद था और कुछ और विषयों को भी, नए विषय को भी शामिल करने को लेकर विवाद था, उनकी समकक्षता को लेकर के वो विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शिक्षा निदेशालय को 2 बार रिमाइंडर भेजा है कि ये जो मामला समकक्ष का इसको क्लियर करें, तभी नोटिफिकेशन वापस भेजें, जो अध्याचन है वो वापस भेजें। लेकिन निदेशालय ने अभी तक इस मामले को शांत नहीं किया है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण यह कि अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में केवल और केवल नए पदों का अगर हम लोग बात करें तो 1207 पदों का अधिगाचन ही आया है। और लोक सेवा आयोग ने यह क्लियर कर दिया है, जिस तरीके से पीसीएस के बारे में लोक सेवा आयोग ने क्लियर किया था कि अगर 250 पदों का अधिगाचन नहीं आएगा तो हम विज्ञापन नहीं निकालेंगे। इसी तरीके से एलटी ग्रेड के बारे में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा कि 1207 पदों का जो विज्ञापन निकालने का कोई औचित्य नहीं है। और जो एलटी ग्रेड की जो भर्ती हुई थी 2018 में, उसमें कम से कम 3500 पद अग्रणीत कर दिया गया था। अग्रणीत का मतलब ये होता है कि जो विद्यार्थी अर्हता नहीं रखते थे, जो विद्यार्थी मिनिमम जो कट ऑफ था 40% और 45% उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे तो वो पद रिक्त हो गए थे। सबसे ज़्यादा जो पद रिक्त थे वो कंप्यूटर विज्ञान में था, कंप्यूटर साइंस की जो भर्ती आई थी टीचरों की टीजीटी की, और विज्ञान में भी था और गणित के भी पद थे। तो ये 3 जो विषय थे इनमें सबसे ज़्यादा पद थे। इसके अलावा भी कुछ विषय थे जिसमें पद जो है वो अग्रणित किए गए थे। तो लगभग 3500 पद निदेशालय को वापस भेज दिए गए थे और ये पद अभी तक वापस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नहीं आए हैं। जो 1207 पद हैं जिसमें से लगभग 250 पद जो हैं वो 218 जो पद हैं वो महिला के हैं और 989 जो पद हैं वो पुरुष वर्ग के हैं। 989 इस तरीके से लगभग 1207 पद जो हैं वो नए पद जो रिक्त हुए वो हैं। और जो ये जो अग्रणीत किए गए 3500 पद ये वापस नहीं आए, तो इसका इंतजार किया जा रहा है। इसके लिए भी लोक सेवा आयोग ने रिमाइंडर भेज दिया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग का ये कहना है कि कुछ और पद भी रिक्त हुए हैं एलटी ग्रेड में, कुछ और नए विद्यालय बने हैं जीआईसी की, उन पदों का जब तक अधिगाचन नहीं आ जाएगा तब तक विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा। इसलिए ये बात स्पष्ट हो गई। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल लगातार एलटी ग्रेड के बारे में वीडियो बना रहे हैं और उनका कहना है कि 15 दिन में 10 दिन में 4 दिन में 5 दिन में या अगले हफ्ते जो नोटिफिकेशन वो एलटी ग्रेड का आएगा। एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, एक बात। अब हम लोग बात करेंगे पीसीएस, पीसीएस 2022 के नोटिफिकेशन 300 से ज़्यादा पद हो चुके हैं। इसके बारे में भी आज के ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी और ये जानकारी वास्तव में बिल्कुल सही है। लोक सेवा आयोग का कार्य पूरा हो चुका है। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा एजेंसी को विज्ञापन बना करके भेज दिया है। किसी भी समय संक्षिप्त विज्ञप्ति के द्वारा आपको पीसीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। पीसीएस 2022 के नोटिफिकेशन में आपको कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने ये जब ये पूछा गया कि विज्ञापन किस दिन जारी होगा, तो उन्होंने कहा कि हमने विज्ञापन बना करके परीक्षा एजेंसी को, कंप्यूटर विभाग को भेज दिया है। तो सबसे पहले तो एक संक्षिप्त विज्ञप्ति आपको दिखाई देगी समाचार पत्रों में, किसी भी दिन कल या परसों में किसी भी दिन आपको दिखाई देगी। और उसके बाद में विस्तृत नोटिफिकेशन है वो आपको लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग बात करें कि आर ओ आर ओ का क्या मामला है, कि आर ओ आर ओ जो है कोर्ट चली गई है, असल में मामला ये है कि आर ओ आर ओ का जो मेंस होना है अप्रैल में, 24 अप्रैल को
जिसका प्री का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, उस आरओ की बात हो रही है। जब उसका परिणाम आया तो विद्यार्थी चौंकने लगे। विद्यार्थियों को ये कहना था कि इसमें EWS को रिजर्वेशन क्यों ना है। UPPSC RO/ARO भर्ती में EWS कोटे सुनवाई की मांग, अमर उजाला की ये न्यूज है। और यहाँ पर ये देखिए डेट पड़ी हुई है 13 मार्च 7:32, यानी कि आज शाम की ये न्यूज है, जिसमें ये कहा गया कि विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। और विद्यार्थियों का ये कहना है, ये विद्यार्थी पिछले 6 महीने से लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन इन विद्यार्थियों की सुनवाई नहीं हो रही है। EWS में जिस तरीके से रिजर्वेशन देना चाहिए उस तरीके से विज्ञापन में ये रिजर्वेशन नहीं दिया गया है और आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। और अब अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती PCS-J की। PCS-J के बारे में भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी लेकिन जब आज वार्ता हुई तो जानकारी ये मिली कि PCS-J के विज्ञापन में अभी भी कुछ तकनीकी समस्या है और उसमें कुछ बदलाव होना था वो हुआ नहीं है। अभी PCS-J के विज्ञापन में थोड़ा सा देरी हो सकती है, इस महीने यानी कि मार्च के महीने में PCS-J का जो विज्ञापन आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए विद्यार्थियों को इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। तो ये हो गई आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें PCS का विज्ञापन 2022 का, 300 से ज़्यादा पदों का जो विज्ञापन है वो किसी भी समय जारी हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो, LT ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है उसको आने में अभी देरी लगेगी, इसमें बहुत सारे पेज मैंने बता ही दिया अभी आप लोगों को। एक तो समकक्ष का विवाद है, दूसरा पदों की संख्या अभी भी बहुत कम है, PCS-J में भी अभी देरी लगेगी और RO/ARO भर्ती जो है वो कोर्ट चली गई है। ये तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। और जिन छात्रों ने targetwithpsparihar.com वेबसाइट को विजिट ना किया हो तो targetwithpsparihar.com वेबसाइट को आप लोग जरूर विजिट कर लें। उसमें भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज, पुराने शॉर्ट पेपर सब कुछ उपलब्ध करा दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग targetwithpsparihar.com वेबसाइट मैंने खोला है और यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर है वो पूरी तरीके से निःशुल्क ये करंट अफेयर है। डेली न्यूज भी आपको मिलेगा, जैसे मैं करंट अफेयर आपको खोल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए रोज का 10 तारीख का करंट अफेयर, 9 तारीख का ये पूरा, 8 तारीख का कोई भी विद्यार्थी इसको निःशुल्क डेली का जो करंट अफेयर है वो देख सकता है और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बता दूं कि targetwithpsparihar.com का जिसे आप लोग वेबसाइट को देख रहे हैं इसका ऐप भी है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं लेखपाल भर्ती का टेस्ट सीरीज है, पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट सीरीज है, खंड शिक्षा अधिकारी का है, TET का है, भारत की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं सब के सब टेस्ट सीरीज इस ऐप में उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो जल्दी जाइए डाउनलोड करिए और आप लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं।